हमारा जिंदा है इस्लाम। अगर मैं सही कर रहा हूँ, बार बार सही कर रहा हूँ तो किसी का हाथ नीचे ना रहे। एक बार आप ही कह दीजिए हमारा जिंदा है इस्लाम, कि हमारा जिंदा है इस्लाम, हमारा जिंदा है इस्लाम, हमारा जिंदा है इस्लाम। धीरे 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 बोल रहा है आका का दीवाना। धीरे धीरे बोल रहा है आका का दीवाना। धीरे धीरे बोल रहा है आका का दीवाना। कमेटी वाले कितने लोग हैं जरा बताइए, हाथ उठाकर। इतने लोग जो कमेटी के लोग हैं यहाँ, ये भुइयां के कितने लोग हैं जरा हाथ उठा दीजिए। भुइयां मोहल्ला जरा उठाए रहे। अब समझ में आया जुनैद भाई, इधर से आवाज ज्यादा इसलिए आ रही है, इनको फिक्र लगी हुई कि मेरा जलसा कामयाब हुआ है। ये लोग इसलिए नहीं बोल रहे, ये लोग सोच रहे हैं भुइयां का जलसा। हम क्यों बोलेंगे अगर ये सोचेंगे कि नहीं, ये तो फैजाने दस्तगीर कौन था। क्या बात है भाई, ये अगर आप सोच रहे हैं तो हर आदमी बोलना शुरू कर देगा, हर दीवाना हुसैन बोलना शुरू कर देगा। अब मैं देखता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं कि भुइयां का जलसा है या मेरे गौसे आजम का जलसा है, मेरे हुसैन का जलसा है, मेरे सरकार का जलसा है। इसका टेंशन आप कमेटी वाले ना लेके, जलसा कामयाब नहीं। जलसा उसी दिन कामयाब हो जाता है जिस दिन जलसे की तारीफ रखी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसा उसी दिन कामयाब हो जाता है जिस दिन जलसे की तारीफ रखी जाती है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस मोहल्ले का जलसा है वो खामोश रहे, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो सोच रहे हैं कि मेरे हुसैन का जलसा है वही आदमी बोलेगा। चुप चुप, मैं पढ़ता हूँ। धीरे धीरे बोल रहा है आका का दीवाना, धीरे धीरे बोल रहा है आका का दीवाना। भुइयां का जलसा है, अगर आप नहीं सोच रहे तो बोलिए। धीरे धीरे बोल रहा है आका का दीवाना, धीरे धीरे बोल रहा है आका का दीवाना। नूर नबुवत शम्मे रिसालत का हूँ मैं परवाना, नूर नबुवत शम्मे रिसालत का हूँ मैं परवाना। मैं उस वक्त तक मुकम्मल बंद नहीं करूंगा जब तक मैं एक इंकलाब माहौल नहीं पैदा करूंगा। इंकलाब माहौल नहीं देंगे मुझे, ना मैं माइक से हट सकता हूँ, ना सैयद साहब माइक पे डट सकते हैं। अब आपका हाथ में फैसला है कि जितनी जल्द आप चाहे तैयार हो जाए, क्योंकि मुबारक हुसैन इसी तरह चला जाए तो कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, है ना। उलमा इकराम की भी हिमायत को दुआएं चाहिए। धीरे धीरे बोल रहा है आका का दीवाना, धीरे धीरे बोल रहा है आका का दीवाना, धीरे धीरे बोल रहा है आका का दीवाना। हर हाथ उठ जाए। धीरे धीरे बोल रहा है आका का दीवाना, नूर नबुवत शम्मे रिसालत का हूँ मैं परवाना, नूर नबुवत शम्मे रिसालत का हूँ मैं परवाना। के मेरे लबों पे فیضانِ سرکار مفتی اعظم ہند انجمن فیضانِ حبیب نعرہِ تکبیر یا علی آپ لوگ بولتے رہیے انشاءاللہ میں پڑھتا رہوں گا ہے کی نہیں دیکھئے बात।
वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह माशाल्लाह। अब नारा इधर से भी लगा है और इधर से लगा है और भी लगेगा इंशाल्लाह। मैं पहचान रहा हूँ आपको और इधर से भी नारे लगाने के लिए एक आदमी को तैयार कर लीजिए आप, वरना मैं इधर से एक आदमी को भेज दूंगा। गुलपोशी का हसीन मंजर आप देख रहे हैं, जो माहौल मैं ढूंढना चाह रहा था वो माहौल तो मुझे मिला, सिर्फ रास्ता मिला है, मैं वहां तक अभी पहुंच नहीं पाया हूं। और देखिए आप कब तक पहुंचाएंगे, पढ़ता हूं राजा करे। जिंदा है इस्लाम हमारा, इशारा हो तो आप बोले, बोलना शुरू कर दें। एक बार देखिए इधर क्या कर रहे हैं, कि हमारा जिंदा है सिला। सामने वाले बैठिए और सामने जो बैठे उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। बाबू अगर आप बोल सकते हो तो सामने बैठो, वरना मैं दूसरे आदमी को यहाँ बैठा दूंगा। जो सामने बैठे उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। जिंदा है इस्लाम धीरे धीरे, कभी भी इशारा हो सकता है, समझ रहे हैं, कभी भी इशारा हो सकता है, सिर्फ आप तैयार है। धीरे धीरे बोल रहा है, धीरे 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 बोल रहा है आका का दीवाना। नूर नबुव्वत शम्मे रिसालत का हूँ मैं परवाना, नूर नबुव्वत शम्मे रिसालत का हूँ मैं परवाना। बोले चूंकि सामने वाला बहुत ज्यादा बोलता है, आज तो मैं देख रहा हूँ जुनैद भाई पीछे वाले ज्यादा बोल रहे हैं। एक बार सामने वाले खामोश रहिए और पीछे वाले बताइए, धीरे धीरे बोल रहा है। क्या माशाल्लाह, देख लिया आपने, देख लिया आगे वाले नहीं देख पाए। एक बार और आप बोल के बताइए, ये लोग देखना चाहते हैं। धीरे धीरे बोल रहा है आका का दीवाना, नूर नबुव्वत शम्मे रिसालत का हूं मैं परवाना। एक बंद और मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। समझ रहे हैं आप, अगर बोलेंगे तो मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं इंकलाब पसंद आदमी हूँ, मुझे माहौल नहीं चलेगा। समझ रहे हैं, मैं इंकलाब का शायर हूँ, मुझे इंकलाब माहौल चाहिए। अगर आप इंकलाब माहौल दे सकते हैं तो मैं सुना सकता हूँ, वरना मैं नहीं सुना पाऊंगा। मैं आपको साफ बोलता हूँ, बुलाया जा रहा है, सब्र वाला हुसैन जिंदा है। अभी टाइम लगेगा आधा घंटा वहां तक पहुंचने के लिए। सब्र वाला हुसैन जिंदा है। चाचा आप भी बोलिए, आप मुस्कुराइएगा तो मेरे अंदर एनर्जी पैदा हो जाएगी। सब्र वाला हुसैन जिंदा है, 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 सब्र वाला हुसैन जिंदा है। आप इत्मीनान रहिए, मैं देखता हूँ कब आप बोलते। सब्र वाला हुसैन जिंदा है, सब्र वाला हुसैन जिंदा है, सब्र वाला हुसैन जिंदा है, जब्र वाला यजीद मुर्दा है। हमारा
رسول اللہ کیا بات ہے بھائی واہ واہ یا علی واہ واہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد واہ واہ کیا بات ہے مبارک بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ اب آپ نے بتا دیا کہ مبارک حسین آپ اور کہیں نہیں دربار شاہ کی بارگاہ میں آئے ہیں اب مجھے لگا کہ ہم آپ کے محلے میں آئے ہیں ورنہ مجھے لگ رہا تھا کوئی دوسری دنیا میں ہم آئے ہیں سمجھ رہے پڑھوں پڑھوں ذرا محبت پھر سے پڑھ لیں انشاءاللہ میں پھر سے پڑھوں گا لیکن مجھے لگنا نہیں چاہیے کہ میں پھر سے پڑھ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں وہی انقلابی ماحول آپ تیار کریں زندہ ہے اسلام ہمارا آپ نے پہلا کیا ہے زندہ ہے اسلام ہمارا جب آئے زندہ ہے اسلام جب آئے نہ کہ ہمارا زندہ ہے اسلام تو آپ بھی اپنے ہاتھوں کو اسلام کا جھنڈا بنا دیجئے گا انشاءاللہ پھر وہ رنگ آئے گا جو وہ رنگ چڑھے گا کہ صبح تک وہ رنگ اترے گا نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا زندہ ہے اسلام ہمارا زندہ ہے اسلام صبر والا حسین زندہ صبر والا حسین زندہ ہے صبر والا حسین زندہ ہے صبر والا حسین زندہ ہے جبر والا یزید مردہ ہے جبر والا یزید مردہ ہے لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کربلا میں 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 خون سے یہ پیغام ہمارا زندہ ہے اسلام ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی زندہ ہے اللہ اکبر ہر آدمی ہاتھ اٹھا کر جواب دے کیا بات ہے زندہ باد آئے ہائے 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 بولے یا علی یا ماشاءاللہ دیکھیں پھر سے پڑھ دیں دوبارہ پڑھیں کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے بول دیں ایک بار یا حسین ایسے نہیں ذرا ہاتھوں کو اس امام حسین کی اولاد یہاں بیٹھی ہوئی ہے اولاد حسین کی موجودگی میں آپ بتا دیجئے کہ سید صاحب قبلہ آپ کے نانا کا غلام ہم لوگ ہیں اور ہم لوگ آپ کے نانا سے دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر بتا دیجئے یا حسین زندہ ہے اسلام صبر والا صبر والا صبر والا صبر والا حسین زندہ ہے جبر والا یزید مردہ ہے جبر والا یزید مردہ ہے کہ لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کربلا میں لکھا ہوا ہے کربلا میں لکھا ہوا ہے کربلا میں خون سے یہ پیغام ہمارا زندہ ہے اسلام ہمارا زندہ ہے اسلام کرسی والے ہمارا زندہ ہے اسلام
हमारा जिंदा है इस्लाम, हमारा जिंदा है ईमान, हमारा जिंदा है ईमान, हमारा जिंदा है कुरान, हमारा जिंदा है इस्लाम। माशाल्लाह। अब एक शेर और पढ़ता हूँ। पहले मिसरे में बिल्कुल किसी को बोलने की इजाजत नहीं, दूसरे मिसरे में किसी को चुप रहने की इजाजत नहीं, है ना? पहले मिसरे में, दूसरे मिसरे में इतना जोर से आप बोले कि अगर यजीदी नस्ल की कोई औलाद बची बची रह गई हो तो आपके नारे के बोझ में दबकर मर जाए, या खुदा तौफीक दे तो वो भी या हुसैन कहने लगे। पहले विषय में क्या बोलो कि देखो देखो सिमरे लई का चेहरा है, खामोशी के साथ सुनो। शायरी में जब कोई लतीफ इशारा आ जाए, इस्तियारा आ जाए तो बहुत मजा दे जाता है। मैं बस उसी के हवाले से शेर पढ़ता हूँ। देखो सिमरे लई का चेहरा है, देखो सिमरे लई का चेहरा है, जिसपे शब्बीर का तमाचा है। क्या बात है, वाह वाह। देखो सिमरे लई का चेहरा है, देखो सिमरे लई का चेहरा है। मुकम्मल मिसरा होने के बाद इमाम हुसैन का 11 दीवाना खड़े होकर नारा लगाएगा। अब लेकिन सवाल पैदा होता है जुनैद भाई की, वो 11 आदमी है कौन? हर आदमी सोचे कि उसे 11 में एक नाम मेरा, देखो सिमरे लई का चेहरा है, जिसपे शब्बीर का तमाचा है, जिसपे शब्बीर का तमाचा है, जिसपे शब्बीर का तमाचा है, मेरे हुसैन। मेरे हुसैन पाके का दुश्मन, तेरे हुसैन पाके का दुश्मन, तेरे हुसैन पाके का दुश्मन, सबके हुसैन पाके का दुश्मन, मेरे हुसैन पाके का दुश्मन, इनके हुसैन पाके का दुश्मन, सबके हुसैन पाके का दुश्मन। हो ही गया बदनाम हमारा जिंदा है इस्लाम। हर तरफ से नारा लगे, हर तरफ से वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो तूफा में मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेते हैं, भंवर में उसकी कश्ती का वो लंगर थाम लेते हैं, मेरे हुसैन की करम नवाजी जरा देखो, जिसे वो चाह लेते हैं उसी से काम लेते हैं। बहुत अच्छे मुबारक भाई, बहुत अच्छे मुबारक भाई, वाह 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 वाह। जुनैद भाई कह रहे हैं वाह 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 वाह। फिर से पढ़िए, जहमत गवारा। हजरत हजरत क्या बात है भाई, हमारे जुनैद भाई कह रहे हैं कि जिसे वो चाह लेते हैं उसी से काम लेते हैं। बेशक बहुत बड़ी बात कहा इन्होंने। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा नाम वो आदमी नहीं ले सकता जब तक मैं नहीं चाहूंगा। क्या बात है, क्या बात है, बेशक बेशक। वो तो इमाम हुसैन सरकार है, समझ रहे हैं? जिसे चाहते हैं वही नाम ले, हर आदमी नाम नहीं ले पाता। सब्र वाला हुसैन जिंदा है, मोहब्बत से सुने के देखो सिमरे लई का चेहरा है, देखो सिमरे लई का चेहरा है, जिसपे शब्बीर का तमाचा है, जिसपे शब्बीर का तमाचा है, मेरे हुसैन। दुश्मन मेरे हुसैन पाके का दुश्मन, मेरे हुसैन पाके का दुश्मन।
देना हमारा, पूरा मजमा बोले जिंदा है हमारा, जिंदा है। तमाम जबान एक जबान हो जाए और एक मोहब्बत के साथ बोले जिंदा है इस्लाम, कि हमारा जिंदा है इस्लाम। अब सैयद साहब की दुआ लेकर एक बंद आप तमाम अच्छे लोगों के लिए, एक बंद आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, मुलाहिज़ा करें, कि जम हुदे नबी का पीने से भूले तो नहीं इशारा, भूले नहीं ने आप लोग, नहीं नहीं भूले हैं। देखे आप देखिए इनको कि ये भूले या नहीं, और आप देखेंगे इनको कि ये भूला या नहीं। पहले आप देखिए, जम हो पे नबी का पीने से, जम हो पे नबी का पीने से, उनकी उल्फत में मर के जीने से, दोनों मोहल्ला तैयार है। जम हो पे नबी इसके नबी के मतवालों को मिलता है आराम हमारा, जिंदा है इस्लाम, जिंदा है इस्लाम।